हाय दोस्तों, नमस्कार। और आप देख सकते हैं कागज़ का ब्यूटीफुल सुंदर वॉल जो देखने में डिजाइन काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लिए हमको यहाँ पे पेपर लेंगे। आपको जिस कलर में बनाना है उस कलर का पेपर लीजिए, और ये A4 पेपर बुक शॉप पे कहीं भी मिल जाते हैं। ये कटोरी की मदद से हम इसको गोल आकार में कटिंग करेंगे, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कटिंग कर देना है, जैसे कि हम कर रहे हैं आपके सामने दोस्तों। तो ये कटिंग हो गया, और एक पेपर से हमने 6 पीस निकाले हैं। तो ऐसे करके हमको 5 पेपर ले लेने हैं, और 30 पीस निकल जाएंगे उसमें से। तो इसको हमको बीच में से मोड़ देना है, और एक बार दूसरी साइड से लेकर मोड़ना है, और इसको हल्के से एक बार और एक बार और, जिस तरीके से हमने इसको मोड़ा है उसी प्रकार से आपको मोड़ लेना है। इससे इसमें निशान आ जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे हमको इसको किसी गोंद या फेविकॉल या किसी पेस्ट की मदद से चिपकाने में हेल्प करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, कमाल कमाल की वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइन में है, उसमें से एक एक लाइन छोड़ के 2 लाइन पे हमको ये फेविकॉल लगा देना है। इसी प्रकार से हमको बाकी के जो बनाए हुए हैं उनमें भी लगा लेना है। तो हम एक साइड से छोड़ देंगे और इस पर लगा देंगे एक, फिर छोड़ देंगे, फिर इस पर लगा देंगे फेविकॉल। तो ये लाइन का ध्यान रखना है आपको, और इसी प्रकार से आपको लगा देना है। आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं इसको, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप ध्यान से वीडियो देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसको 30 पीस बना के तैयार कर दिए हैं, और 30 इनको बनाने के बाद में इसके बाद में इन सबको जोड़ना है। वो तरीका भी आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। तो हमने ये बीच में लगाए थे, अभी हमको क्या सेंटर में हमने नहीं लगाया था पहले वाले में, तो सेंटर में लगा देना है, और साइड वाले पे लगा देना है, और इधर साइड में लगाना है। बीच में हमने पहले लगाए थे 2, और जो हमको अब जोड़ना है उनमें 3-3 जगह पर आएंगे। 5-5 लाइन आ रही थी कागज़ के अंदर, हमने 2 लाइन पे पहले लगा चुके हैं फेविकॉल, और 3 लाइन बची, तो 3 पे अभी लगाएंगे। इसी प्रकार से हमको इन सबको जॉइंट कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से आप जॉइंट करोगे तो जो बाद में रिजल्ट आएगा वो काफ़ी सुंदर आएगा, तो देखने में काफ़ी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको बना देना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और दोस्तों आप सोच नहीं सकते इतना मस्त बनेगा ये। मैं भी बनाने के बाद देख रहा था, वाह क्या सुंदर है। तो हमने सबको एक एक करके जोड़ देना है, तो इनको फटाफट से जोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक रख दिए। और ये लास्ट वाला भी रख गया। ये 30 पेपर जोड़ दिए दोस्तों। यहाँ पे हम लेंगे एक धागा, इसको टांगने के लिए, लटकाने के लिए काम आएगा, तो इसको फेविकॉल से इसमें जोड़ देंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है दोस्तों, और जैसे लगाते आ रहे हैं उसी प्रकार से इसको फिर से हम लगा लेंगे। तो ये फेविकॉल लगा दिया, और इसको आराम से खोलेंगे। आप देखिए, वाह क्या सुंदर पेपर बॉल बन के डिजाइन का तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सुंदर लगेगा दोस्तों। फ्लावर क्राफ्ट काफ़ी मस्त क्राफ्ट बनता है ये। तो इसको हम चिमटी की मदद से रोक के रखेंगे, जिससे ये फेविकॉल जिससे ये जुड़ जाए आसानी से। तो हमको 5 मिनट हो गए करीब, अब ये जुड़ के तैयार हो गया है, तो हम छुड़ा देंगे, आराम से खोलेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़
लाइक तो कर दीजिए। बॉल का वीडियो काफ़ी सुंदर बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं बॉक्स पर क्लिक करके। और आज के लिए इतना ही, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।